तो आ गया। तो कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने वाले, सीखने वाले बहुत एक अच्छा कनेक्शन दोस्तों, जो कि ये हमारा 90 वोल्ट से लेकर के एंड 340 वोल्ट तक का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कनेक्शन दोस्तों, आप 500 वाट से लगाकर एंड इसको आप 15 kVA तक का इसको कनेक्शन ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को यहाँ पर कम्प्लीट ही वॉच करना होगा, तभी आप अच्छे से यहाँ पर सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, तभी आप कर भी पाएंगे। तो भैया वीडियो को कर दें स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो रिले लेनी है, ये आपको सभी की सभी 24 वोल्ट की ही यहाँ पर रिले यूज करनी होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे आपको दो वायर कनेक्ट कर देने हैं। एंड ये वाला पॉइंट और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये तीन पॉइंट पे आपको एक वायर से इन सभी पॉइंट को कॉमन बना लेना है, मतलब कि शॉर्ट कर लेना है। ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब इन पॉइंट पे आपको एक एक वायर अलग से कनेक्ट कर देना है। अब नहीं समझ पाए तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे कि ये वाला जो रिले है, इस रिले पर दो वायर आपको कनेक्ट कर देने इस प्रकार से, एंड आपको क्या करना है, एक वायर लेना है और एक ही वायर से क्या करना है, हमको तीन रिले के पॉइंट को शॉर्ट कर लेना है सिर्फ एक ही वायर से, और इस वायर को हम बना लेंगे कॉमन वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक पॉइंट हमारा खाली बचा है, तो हम इस पॉइंट में एक एक वायर अलग से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम कर रहे हैं, बस इसी तरह ऐसे ही आप कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि हमको करना है शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग ऐसे करेंगे कि हम पहली वाली रिले का एनसी पॉइंट एंड रिले नंबर दो के कॉमन पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है। दूसरा शॉर्टिंग हमको करना है भैया कि पहली वाली रिले का एनो पॉइंट एंड रिले नंबर तीन के एनसी पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है। जैसे कि कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर दे। तीसरा शॉर्टिंग हमको करना है रिले नंबर तीन का कॉमन पॉइंट एंड रिले नंबर चार के एनसी पॉइंट से शॉर्ट कर देना है, जैसे कि हमने कर रखा है इसमें। अब यहाँ पर चौथा शॉर्टिंग आपको करना है यहाँ पर रिले नंबर दो का एनो पॉइंट एंड रिले नंबर चार के एनो पॉइंट से, यहाँ पर आपको इस प्रकार से, इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। चार शॉर्टिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पर समझिएगा ट्रांसफार्मर का, अब ट्रांसफार्मर का लूप कौन सा कहाँ पर अटैच होगा वो यहाँ पर क्लियर तरीके से समझिएगा, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पहला वाला जो लूप है वो हमारा 137 वोल्ट का, इसको हम करंट कर रहे हैं रिले नंबर दो के एनसी पॉइंट पर, मतलब कि जहाँ पर कर रहे हैं। अब यह है दूसरा लूप, ये है हमारे पास 200 वोल्ट का, इसको हम करंट करेंगे यहीं पर जहाँ पर ये हमारा शॉर्टिंग है, इसको दोनों को मिलाकर आपस में, और यहाँ पर इसको हम बढ़िया तरीके से फिक्स कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर जाम कर देंगे बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर यह है तीसरा लूप, यह है हमारा 240 वोल्ट का, इसको हम करंट करेंगे अपने रिले नंबर तीन के एनो पॉइंट में, मतलब कि जो हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं यही होता है हमारा एनो पॉइंट, और इसी रिले के पॉइंट पर यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से ऐसे करके। अब यहाँ पर यह है हमारे पास चौथा लूप, यह है 290 वोल्ट का, इसको हम करंट करेंगे यहाँ पर। तीसरा लूप था हमारा 240 वोल्ट का, यह चौथा लूप, यह 290 वोल्ट का, इसको हम करंट करेंगे अपने रिले नंबर तीन के एनसी पॉइंट पर, मतलब कि जहाँ पर शॉर्टिंग है इसी प्रकार से यहीं पर ही हमको करना है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है ये सर्किट, और इस सर्किट में आपको समझना है बहुत ध्यान से, यहाँ पर डबल सर्किट यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एक तो ये है मेरे पास सर्किट और एक ही है, अब इन दो में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम काम एक ही है, बस कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, बस खाली आपको कलर चेंज दिख रहा है इसमें, बाकी क्वालिटी और कैसा वर्क करेगा बिल्कुल सेम चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्शन को समझिए, ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पर हमको एक रिले का वायर को कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डायोड का ये पॉजिटिव हिस्सा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डायोड का पॉजिटिव हिस्सा, यहाँ पर एक रिले का वायर को यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब कौन सी रिले का वायर को कनेक्ट करना है वो यहाँ पर देखिएगा, ये वाली रिले, इस वाली रिले के जो दो वायर है यही दो वायर इस सर्किट से हम कनेक्ट कर देंगे, सिर्फ एक ही रिले को कनेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है हमको, ज्यादा छेड़छाड़ इसमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिएगा, अब जैसे कि यह है माइक्रो कंट्रोलर
सर्किट। भैया यहाँ पर मैं चीज पहले क्लियर करता हूँ कि अगर आपको ये सर्किट नहीं मिल रहा है, अगर सर्किट चाहिए हो तो दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया, तो वन पर नंबर मिल जाएगा, आप चाहे तो इन सर्किट को ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्शन को समझिएगा, हमको कैसे क्या करना होगा यहाँ पर बहुत ध्यान से। जैसे कि यह है मेरे पास 24 वोल्ट की सप्लाई और यह है मेरी मेन ट्रांसफार्मर से आई हुई, और इसी सप्लाई को हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 0 से 24 वोल्ट करके जो लिखा हुआ है यहीं पर इसको हम कनेक्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से, यहाँ पर जाम कर देंगे। चाहे तो आप सोल्डरिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है CO, CO का मतलब कॉमन, ये पीला वाला जो वायर हमने कनेक्ट किया था हर एक पॉइंट पे, यही वाला वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पर CO पे कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि CO का मतलब होता है कॉमन। यहाँ पर लिखा है इनपुट टू का मतलब हुआ है हमारी जो पहली वाली रिले का ये जो वायर है ब्लू वाला, मतलब कि नीला वाला जो वायर है पहली वाली रिले का, यही वायर जो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है इनपुट वन का मतलब ये हुआ है कि भैया हमारी जो दूसरी वाली रिले का जो ग्रीन कलर का जो वायर है यही वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है OP का मतलब वो आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड का मतलब हुआ कि तीसरी वाली रिले का जो एक वायर जो हमारा खाली बच रहा है बस वहीं पर ये इसको हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया सब कुछ यहाँ पर, अब समझिएगा बहुत ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि ये जो सर्किट है इस सर्किट में सप्लाई हमको कहाँ पर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान, जैसे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर यहाँ पर हमको एक सप्लाई का वायर कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पर जो दूसरा वायर हमको कनेक्ट करना है वो हम सर्किट में पीछे देखेंगे काफ़ी लंबा ग्राउंड नजर आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर ही हम कनेक्ट कर देंगे अपनी सप्लाई 24 वोल्ट की, 0 से 24 वोल्ट की। अब कौन सी करना है कैसे करना है वो यहाँ पर देखिएगा, ये दो वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर लिए अपने। अब ये जो दो वायर है अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने जो इस सर्किट पर अपनी सप्लाई दी है 24 वोल्ट की, यही वाली सप्लाई हम क्या करेंगे यहाँ से खोलेंगे और इसी में हम दोनों वायर को जोड़ लेंगे आपस में, और यही वाली सप्लाई हम इस सर्किट को भी पहुँचा देंगे। अन्यथा अगर आपके पास ट्रांसफार्मर में अगर डबल सप्लाई दी गई है, उसमें डबल सप्लाई है आपके पास 24 वोल्ट की हो चाहे 22 वोल्ट की हो, डबल होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे एक सप्लाई आप इस सर्किट पर कनेक्ट कर देंगे माइक्रो कंट्रोलर पर, और एक सप्लाई कनेक्ट कर देंगे आप अपने सादा सर्किट पर ऑटो कट सर्किट पर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग सप्लाई भी आप यूज कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर जो है 909 एंड 1212 बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, ओनली मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये दोनों वायर को मैंने आपस में कनेक्ट किया है और यही सप्लाई मैं यहाँ पर दोनों सर्किट पर एक ही सप्लाई पहुँचा दूंगा। अन्यथा आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 22 वोल्ट का सप्लाई अलग से भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके ट्रांसफार्मर डबल सप्लाई दी गई है तो, वरना नहीं तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सप्लाई तो हमारा कनेक्ट हो गया है, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर करेंगे टेस्टिंग बढ़िया तरीके से और तभी पता चलेगा कि कैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो इनपुट आउटपुट कहाँ से, यहाँ से इनपुट एंड यहाँ से आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट हमारा क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग को देखिएगा बहुत ध्यान से, कभी कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ा मत करिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास दो मीटर है, एक सुई वाला मीटर है एक मल्टीमीटर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो वोल्टेज दे रहा हूँ, पहले यहाँ पर समझिए कि ये जो वाला मीटर है ये है मेरा आउटपुट मीटर, ये आउटपुट और ये है इनपुट मीटर, ठीक है। अब मैं वोल्टेज यहाँ पर दे रहा हूँ, आप देखिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अपनी 100 वोल्टेज भी देता हूँ, तो 100 वोल्टेज पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हमको 200 वोल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो 250 पे मेरा कटअप लगा है, मतलब कि कटअप मेरा पहले से सेट था, और आपको कटअप लगाना नहीं आता तो आप की भी लिए मैंने वीडियो एक बना रखा है, और आप चाहे तो उस वीडियो को देख के कटअप लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं वोल्टेज अपना बढ़ा रहा हूँ इनपुट में, और आप देख सकते हैं कि 250 वोल्टेज पे कटअप कर रहा है अभी जी, मेरा माइक्रो कंट्रोलर सर्किट वर्क कर रहा है, ठीक है, अभी ऑटो कट सर्किट वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 300 से प्लस हो चुका है, और यहाँ पर 250 वोल्टेज मेरा आउटपुट में हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा इससे कटअप, इस वाले सर्किट से। अब मैं हल्का सा इसमें बढ़ाऊँगा, प्रीसेट को अपने घुमाऊँगा, मेरा ये कटअप लग गया बढ़िया तरीके से, देखिएगा ध्यान से। फिर से मैं दोबारा से कटअप लगाऊँ, और यहाँ पर लग गया मेरा कटअप। अब मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि लास्ट इसकी इनपुट रेंज क्या है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मेरा 400 वोल्टेज इसमें पहुँच चुका है, और 250 वोल्टेज मेरा आउटपुट में है, तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर टाइमर नहीं दिया गया है, टाइमर वाला अगर कनेक्शन चाहिए हो या हाईकट वाला कनेक्शन चाहिए हो तो वो हो सकता है कि मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ, या आप जब मेरे से बोलेंगे तब मैं बनाऊँगा, ठीक है।
फिलहाल अभी तक इसको ऐसे ही करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रहेगा हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।